हाइट छोटा लेकिन फाइट ज्यादा, वो तो साफ झलकता हुआ गेंदबाज की ओर से। बिल्कुल सही, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक। इसके बाद में सभी दर्शकों का और जितने सेलेक्टर्स हैं, जितनी कमिटी का, पूरे लोगों का इस गेंदबाज ने दिल जीता है। आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। बिल्कुल बेहतरीन कट और सीधे देखते रह जाएंगे, गेंद सीधा चला गया पॉइंट और कवर के दरमियान से, दंदनाता हुआ सीमा रेखा के पार चार रनों के लिए। काफी शानदार स्क्वायर कट है ठाकुर जी, जितनी तारीफ किया जाए इतना कम। पहले से बैकफुट में कमिट होते हुए क्रीज का गहराई का इस्तेमाल शानदार तरीके से करते हुए गेंद को सीधा भेज दिए बीच में। आपने देखा था पिछली दो गेंदों पर जो प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो गए, अंतिम गेंद पर अच्छा प्रयास किया। पावर प्ले में 10-12 का रन रेट चलता है, देखिए औसतन रन प्रति ओवर 6.5 का चलता आ रहा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर दबदबा एक जगह बोलिंग यहाँ पे हो रही है काफी शानदार तरीके से। अभी तक प्रेशर नहीं हुआ है, बैट्समैन प्रेशर ना वो प्रेशर अभी बरकरार। बिल्कुल सही, और देखिए तरह की बल्लेबाजी होती है, पावर प्ले में दो ओवर शेष है। उठाकर खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, चार रन कोई मौका नहीं। हमारी बात उनके कानों पे जा रही है प्रकाश भाई, प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करते हुए। इसी प्रकार बाउंड्री बीच बीच में बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जहां पर आपको बता दें कि ये मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, दो खिलाड़ी जो बाहर खड़े हुए हैं, एक खिलाड़ी स्क्वायर बाउंड्री यानी कि ऑफ साइड में डीप पॉइंट पर और दूसरा साइड यानी कि अनड्राइव किए तो निश्चित रूप से स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है। यहाँ पे जो खुला एरिया था उसी दिशा में ढकेले थे, मिड ऑफ के खिलाड़ी के काफी ऊपर से गेंद चला गया था सीधे यहाँ पे सुपर कवर और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बीचों में चार रन के लिए। इस चार रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर मैं बता दूं, 17 रन स्कोर बोर्ड पर। वापसी का गेम होगी गेंदबाजी में। अभी तक का इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक ओपनिंग साझेदारी की बात करें तो 75 रन ये सुनाबेड़ा की टीम जो कि आज खेतर खेल कर रही है उनके ओवर लगाया, तो देखते हैं दिलचस्प रहेगा किस प्रकार यहाँ पे अपील हो रही है। क्लोज कॉल हो सकता है और इसके साथ आउट। मैं यहाँ पे बात कर रहा था साझेदारी का, वहीं पे यहाँ पे आउट और एक कमेंटेटर कर्स का नजारा यहाँ पे झलकता हुआ ग्राउंड में। तो ठाकुर दादा क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर तो ब्रेक थ्रू मिला है, एक बड़ी सफलता मिली है सुनाबेड़ा के गेंदबाजों को। बड़ी सफलता, 17 रन पर पहले विकेट का पतन हो गया है। दर्शकों को बता दूं 17 रन पर पहले विकेट का पतन। हेसी हो नहीं नहीं देखो हाय हाय कंफर्म लेने जोश तो जा कर कथा कम्प्लीट करवा के चाहे हेटा तुम जल्दी खन काटबो नु प्रकाश दा छन देखो इन 1 30 सेकंड्स 25 सेकंड्स जेने को बड़े अगली नु कूदी था। हां हां ठीक है सबके टाइम मैनेज कर प्रकाश भाई टा तुम छन पर देखबार पड़वा मान के खन जल्दी काटो रे बा तुम्हारा हाय जा आराम करो इन तो करबो तुम काटबो मैं काटबो मैं ना धरबो। बड़ी सफलता मिली है सुनाबेड़ा के जो गेंदबाज हैं विशाल मिस्टर विशाल, बड़ी सफलता मिली है ना बैट्समैन विशाल क्वार्टर बल्लेबाज भी इसमें विशाल विशाल टू विशाल एक संघर्ष अब देखने को मिलेगा सिंहपाल इनसे निकल कदमों के साथ विशाल और क्रीज पर विशाल मौजूद हैं पिंका इसमें मौजूद हैं नए जो बल्लेबाज हैं वो विशाल गेंदबाज पिंका
गेंद काफी तेजी से गया था शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र से होता हुआ लॉन्ग लेग साइड का गेंद तैनात और एक रन मिलेगा और वहां पे पहले से ही दुरुस्त खड़े हुए थे फील्डर बिल्कुल कि ये कैच आगे गिरेगा इसीलिए प्रयास भी नहीं किए सिर्फ एक रन के साथ अपना खाता खोला और दलिया रन संख्या बढ़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ मैं दर्शकों को बता दूं 18 रन ओहो क्या सुंदर गेंदबाजी कहूंगा प्रकाश भाई हालांकि मौका था कैच का मौका था काफी ऊपर उछल गई थी एक खिलाड़ी को आप सर्कल इधर रख देते हैं आप जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आप गेंदबाजी कर रहे हैं गली के खिलाड़ी को थोड़ा सा आप सर्कल के बाहर रखिए एक खिलाड़ी को अंदर ले आए डीप का जो कि मैंडेटरी पावर प्ले में दो खिलाड़ी बाहर रहे हैं लेकिन ये चतुराई है बल्लेबाज का कि क्लोजिंग फील्डर जितने सारे हैं उनके ऊपर उछाल के मारो निश्चित रूप से बाउंड्री मिलता है और वो यहाँ पे दिखाई देता हुआ एक चौका मिला और 22 रन इसके साथ ही एक विकेट के नुकसान पर छोटू और विशाल फिलहाल क्रीज पर सुंदर गेंद सुंदर शॉट एक ही रन मिलेगा खिलाड़ी का नाम जैसे हम देख रहे हैं अच्छे बल्लेबाज का ये खासियत रहता है कि वो इक्का दुक्का से विश्वास रखे ज्यादा जब चौका छक्का देखने को ना मिले इस मौके पर सुंदर गेंदबाजी ये गेंद देख रहे हैं प्रकाश भाई गप्पा खाने के बाद क्या लुक आ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से कभी उछाल लेता है तो कभी नीचा रहता है ये आज तक का पिच का बिहेवियर रहा इस टूर्नामेंट का लेकिन आज के दिवस में काफी शानदार गेंदबाजी किया गया है तीसरा ओवर की परिसमाप्ति पर सिर्फ 23 रन अब इससे पता लगा सकते हैं कि किस कदर बोलिंग हुई है काफी शानदार तरीके से ठाकुर जी जी हाँ जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू से हम बात कर रहे हैं पीच नहीं है गेंद नहीं है एक विकेट का पतन और स्कोर बोर्ड पर मात्र 23 रन 23 लॉस ऑफ दूसरा रन का संभावना नहीं ठाकुर दा जो बात कर रहे हैं कि बार बार हमेशा एक भरोसा रहना चाहिए वही एक अच्छा बल्लेबाजी का निशाना होता है और एक परसेंटेज क्रिकेट भी मानते हैं अमूमन देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुकाबला में भी इक्का दुक्का का बेहतरीन महत्व तो रहता है जब आप इसे उठाकर खेला है लंबा शॉट कैरी जरूर कर 6 रन तगड़ा तगड़ा छक्का और बिली बॉटन का इशारा आता हुआ 6 रन खूब रनिंग मिले भी बल्ले से एकदम मैं बता रहा था प्रकाश भाई जी हम सिंगल और डबल की बात कर रहे थे इस कारण के साथ फिलहाल मैं दर्शकों को इस स्कोर बता दूं कि 31 रन सिंगल डबल जब आप लेते हैं तो आप पर प्रेशर नहीं होता है
इसे उठा कर खेला है लेकिन कैरी नहीं करेगी। सीधे खिलाड़ी के हाथ में हेलीकॉप्टर की तरह चिपक गई है गेंद। भाई और दूसरा विकेट की सफलता, सुनाबेड़ा को दूसरा विकेट मिलता हुआ 31 रन पर दूसरा विकेट। जब आपने छक्का लगाया प्रकाश भाई, आपको चाहिए अगली गेम पर आप धैर्य रखें, सिंगल दबा दें, साथी खिलाड़ी को आमंत्रित करें, मैच को आगे ले जाए। ज्यादा होता वाला पन्ना यही होता है और साफ यहाँ पे दिखा और छक्का जैसे ही जड़ा आत्मविश्वास से प्रबल आत्मविश्वास में चले गए बल्लेबाज। 16 ओवर का मैच है प्रकाश भाई, बड़ा मैच है, 16 ओवर कम नहीं होता है। आपको धीरे धीरे बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, कवर पे आप शॉट लगाते, पॉइंट ऊपर से लगाते। आपने देखा अरुण ने गेंदबाजी में फर्क ला दिया था, अगली गेंद पर जो गति थी कहीं जिस गेंद पर छक्का लगा था 120 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली गेंद देखिए 90 पे डाल दी, उसका फर्क पड़ गया। वेरिएशन जो है उनकी रफ्तार में, वो रफ्तार में यहाँ पर चकमा खाए गए बल्लेबाज और बीच बीच में इस प्रकार का झटके देते रहेंगे तो अभी पटरी से यहाँ पर डिरेल हो जाएगा और पटरी में लौटाना बहुत कष्टसाध्य काम होता है क्रिकेट में। बिल्कुल सही कहा, ऐसे अगर हर एक दो ओवर में अगर विकेट गिरते चले जाए तो मुझे नहीं लगता बलांगीर की टीम 16 ओवर खेल पाएगी। प्रकाश भाई, न्यू बैट्समैन ओम, निश्चित रूप से यहाँ पे कैलकुलेटिव तरीका से एक अपने जहन में रखना होगा कि कितनी टोटल यहाँ पे किया जाए और विपक्ष की टीम को आमंत्रण किया जाए वो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। एक रणनीति के साथ सही तरीके से बैटिंग में एग्जीक्यूशन करना होगा, ये एक रणनीति होना चाहिए जो आने वाले बल्लेबाज होंगे। यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। बढ़िया गेंद अरुण की, बिल्कुल अच्छी सफलता दिला रहे हैं अपनी टीम को। पिछले मैच के मैच थी, मैं उनका मैं विकेट बता लूं प्रकाश भाई, कंप्यूटर पे हमें दिखा रहे हैं आप यहां पर अरुण 3 ओवर 3 विकेट 16 रन बड़ा में 3 ओवर। इस मैच को बताएंगे हम जरा अरुण के जो गेंदबाजी है, एक दो ओवर उन्होंने किया है। प्रकाश भाई जिसकी हम बात कर रहे थे गेंदबाजी की, बिल्कुल अब तक सुनाबेड़ा की गेंदबाजी बढ़िया हुई है, शानदार बोलिंग एक यूनिट है और सही तरह से अपने कप्तान को यहाँ पे समर्थन देते हुए जो भरोसा है अपने बॉलर पर। और बोलिंग विश्लेषण देखिए अरुण का, जो कि पिछले मैच का हीरो थे, दो ओवर का बोलिंग किए हैं, 15 रन खर्च किए, एक 20 कीमती विकेट लिए हैं, जो कि पिछले जो आउट हुए थे बल्लेबाज शायद छोटू, दोनों सलामी बल्लेबाज को दोनों सलामी गेंदबाज यानी कि स्ट्राइक बॉलर वापिस भेजने में सक्षम रहे। और यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा ओम और विशाल को जो कि मिडिल ऑर्डर के रीढ़ के हड्डी माने जाते हैं। जी हां, ऐसा मैं स्ट्राइक स्कोर बता दूं, नए बल्लेबाज आ चुके हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 2 विकेटों का पतन क्रीज पर मौजूद ओम और विशाल। स्ट्राइक पर विशाल, इस समय स्ट्राइक स्कोर पर विशाल, गेंदबाजी स्कोर पर ओम दिल्लू सिंहपाली से हल्के कदमों के साथ सिंहपाली कप्तान बराबर अपने बहुत ही सुंदर गेम, टप्पा खाने के बाद काफी रो रही बल्लेबाज, टप्पा खा गए। यही भी एक रणनीति होता है जब आप राउंड द विकेट आते हैं यूजिंग द क्रीच ऑफ द जो कि कर्नर की इस्तेमाल करते हुए एंगल के तहत गेंदबाजी किया गया, थोड़ा सा आउट स्विंग भी प्राप्त किए और इसमें जो बाउंस रहता है, बाउंस और नीचा रहता है तो बल्लेबाजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो दिखाई देता हुआ। टप्पा खाने के बाद काफी बाहर रही थी, कीपर भी टप्पा खा गए और तेज गति के साथ आउटफील्ड को पार करते हुए 4 रन, इस 4 रन के साथ तेजी के साथ बढ़ता हुआ बलांगीर का स्कोर 37 रन। एक वाइड भी मिलता हुआ, एक अतिरिक्त बॉल भी मिलता हुआ, कीपर को चौका न रहना होगा। प्रकाश भाई यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दिया एक नजारा कि विकेट कीपर भी फेल, बैट्समैन भी फेल, लेकिन पास होता हुआ गेंद सीधा निकल गई कमेंट्री बॉक्स दिशा से, होता हुआ बाउंड्री लाइन के करीब, एक वेलकम बाउंड्री यहाँ पे मिल हुआ बलांगीर की ओर से और गेंदबाजी काफी शानदार तरीके से दिलू फुल कर दिया है। ये कोई मौका नहीं, ये लंबा का संभव का 6 रन, जबरदस्त शॉट, शानदार हुक यहाँ पे देखने को मिला
बहुत ही जबरदस्त, जैसे ही पटकती हुई गेंद लेग किक में मिला था तोहफा और बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का। तैतालीस 43 रन अब लगता है जो विशाल है उन्होंने प्रकाश भाई, विशाल ने अपना विशाल रूप दिखाते हुए। विशाल और ओम को ध्यान देना होगा, एहतियात बरतते हुए इसे साझेदारी को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना दो सलामी बल्लेबाज आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। जिस प्रकार का वो दमखम रखते हैं उससे थोड़ा सा टोटली डिफरेंट नजर। गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट उतना तगड़ा था, एक रन लिया दौड़ कर पूरा किया प्रकाश भाई। सब श्रेय जाएगा ठाकुर जी यहाँ पे गेंदबाज का, थोड़ा सा पहले से ही लेंथ को खींचा था, पहले से ही बल्लेबाज को फ्रंट फुट में कमिट होता हुआ पूर्वानुमान लगाए थे और गेंद को खींच लिए थे। यही करना होगा, छक्का लगाए आपको धैर्य पूर्वक कर लेना चाहिए। अगली गेंद पर चाहिए आप हाथी खिलाड़ी को आमंत्रित करिए, स्कोर बोर्ड चलाते रहिए, बैट्समैन बदलते रहिए, क्रीज बदलते रहिए, उससे क्या होता है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़कर जो बल्लेबाज होता है उसका भी भरोसा बढ़ता है। यहाँ बल्लेबाज तो आप ही लड़ाएंगे प्रकाश भाई, जब आप खेलेंगे अपने साथी खिलाड़ियों को। मुझे लग रहा था वाइड नहीं होगा, अंतिम क्षणों में देखिए भुवनेश्वर नायर जी बहुत ही ग्रेट कॉल है, ग्रेट एम्पायरिंग प्रकाश भाई, सूझबूझ भरी एम्पायर। जिस प्रकार की जमाने में साइमन टफल का एक दौर था, लगातार 5 साल से आईसीसी का बेस्ट एम्पायर खिताब जीते थे। जी हाँ, इस समय उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बल्लेबाज को खड़ा करिए आप, ऐसी गेंदबाजियों में जब देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पे दिल को काफी सुकून मिलता है प्रकाश भाई। मैं यहाँ पे पहले से ही देख रहा हूँ ठाकुर जी काफी अनइवन बाउंस का एक यहाँ पे नजारा देखने को मिला है। पिच का बिहेवियर को समझना पड़ेगा बल्लेबाजों को, अच्छी तरीके से जज के साथ जज करके खेलना होगा। देखते हैं अगले गेंद पर, और यहाँ पे उठा के मारने की कोशिश किए थे डाउन द ग्राउंड, बल्ला मुड़ गया, गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी तैनात वहां पे, सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 46 रन। इस ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी, 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 46 रन 5वां ओवर। ठीक नहीं लग रहा है, और रन रेट में थोड़ा सा धीमापन जरूर नजर आया है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए संजीदगी के साथ खेलते हुए, ओम और विशाल बहुत ही वरिष्ठ दो खिलाड़ी। दिलू की यह गेंद फुल टच में जोरदार प्रहार, खिलाड़ी तैनात, रिले थ्रो यहां पे देखने को मिलता हुआ उनकी ओर से, भले टप्पा खाया उनके सामने लेकिन फिर भी आखिरकार शानदार यहाँ पर एफर्ट दिखाते हुए, और यहाँ इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 47 पर जा पहुंचा। अर्धशतक, 2 की दलीय स्कोर का अर्धशतक होगा, उसमें से सिर्फ 3 रन के दूरी पर ठाकुर जी। जी हां बिल्कुल सही कहा, अपनी रणनीति और सूझबूझ के साथ इस समय बलांगीर टीम खेलते हुए 5 ओवर की समाप्ति हो गई है, स्कोर बोर्ड पर 47 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर 9.4 का टूर्नामेंट चलता हुआ। यहाँ एवरेज पढ़ूंगा प्रकाश भाई, 5 ओवर 47 रन, हालांकि 2 विकेट इन्होंने खोए हैं महत्वपूर्ण विकेट, लेकिन इसी तरह से आप रन बनाते चले गए 5 × 3 150 रन बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं। जी हाँ जरूर, इसी रन रेट को मेंटेन करते रहेंगे जब स्लॉग ओवर आएगा और रन रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और फिफ्थ गियर में बल्लेबाजी होगी। यहाँ पे शायद परिवर्तन और नया गेंदबाज यहाँ पे आए हैं सुनाबेड़ा की ओर से, और कुल मिलाकर ये 6वां ओवर लेकर आएंगे। आज 10 रनों की कमी थोड़ी नजर जरूर आई है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, हमेशा से ही राजीव स्टेडियम स्टेडियम है अपने दर्शकों के लिए जाना जाता है, बहुत प्यार जताते हैं सारे दर्शकों का, भीड़ देखने लायक बनता है यहाँ पे। और फिलहाल टुकू थ्रेश ओवर स्टार्ट करते हुए कम बक्स दिशा से, तो दादा मुई सुन ला बलिया लागी किन किन थी किन थे रील मेरे आला पूरा आवाज आ रही है, कोई लग रही थी मैं जयपुर विशाल और का संगरी उमर
बहुत ही सुंदर यहाँ पे पंच शॉट सीधा कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खिलाड़ी तैनात और एक रन के साथ ही यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज इसी प्रकार जहाँ पे चौका छक्का ना आए सीनियर के साथ ले जाना पड़ेगा स्कोर को आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाते हुए दोनों बल्लेबाज हर किसी इनिंग्स में छक्का चौका का जितना महत्व होता है उससे ज्यादा ये स्ट्राइक रोटेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है इससे जो खिलाड़ी टीम है उस पर दबाव जब तक फाइनल के दरमियान फील्ड होती है एक रन पहले से कंप्लीट किए थे दूसरा रन लेने का इरादा करते हुए ओम का लेकिन विशाल ने मना किया और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 49 पर जा पहुंचा 50 रन से जो स्कोर है जो माइलफुल था उससे सिर्फ एक रन की दूरी पर टॉस जीते हुए 16 ओवर के इस गेम में पहले बल्लेबाजी का जमीना रहा है शुरुआत के झटके के बाद धीरे धीरे संकट की स्थिति से उभरते हुए ये दोनों बैट्समैन बहुत ही बढ़िया एक साझेदारी निभा रहे हैं तीसरा विकेट के लिए विशाल ओम दो वरिष्ठ प्लेयर बलांगीर की ओर से फिलहाल चुप चले पटकती हुई गेंद सही नसीहत देखते रह जाएंगे यहाँ पे हमले के खिलाड़ी छह रन के लिए जाएगा दस से सर 50 का आंकड़ा पार किए यहाँ पे बलांगीर टीम 55 रन विशाल मार लगे जो भी चालू थी ना इतना जो बढ़िया चालू हेलो इस छक्के के साथ 50 का आंकड़ा पे छूटा हुआ दलिया स्कोर कुल योग जा पहुंचा 55 पर हमारे आज के दोनों मैच ऑफिसियल सुपायोज का सिर्फ बिली बॉर्डर के रूप में जो फेमस है फिलहाल इस ओवर में नहीं अंपायर गेंद फिर से पटकती हुई गेंद रूम मिला गेंद को जोरदार तरीके से पुल देखते रह जाएंगे लॉन्ग रन और लॉन्ग रन के खिलाड़ी गेंद सीधा आता हुआ मुख्य मंच की ओर चार रन के लिए आज के दोनों मैच ऑफिशियल्स पयोज कश्यप और भुवनेश्वर नायक हमारे साथ स्क्रीन में बैठे हैं देवेंद्र नायक जी और मानस जी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में नरेंद्र नायक जो कि लाइव कर रहे हैं अपने फेसबुक आईडी से स्टार चेंज करने की कोशिश और पहले से प्री मैच का कवरेज में भी यहां पे स्क्वायर का खिलाड़ी देखते रह जाएंगे आगे में बजे तो छोड़ो चला के बोला इधर देखो तो हिटी गला ना बॉल का उठा दबा को अनर साउंड मस्त था बना रहे लिया बुझ लगा जुमू कल के जुमू कल के सीजन में जीने यह टा भी है ये जीत ली थी एडिशन वायर वाला जो है इसका निकल गया है देखिए और टेक्नीशियन भी इसका माइक्रोफोन नीचे गिर गया है देखिएगा जरा वो काफी शानदार यहाँ पे एक डाइव लगाते हुए सुरक्षित अपील फिर पर पहुंचे बल्लेबाज अभी अपील हो रही है जरूर और अभी तक की लेखे लेखे की बात करें तो दलिया स्कोर 63 रन दो विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे मगर बहुत ही शानदार यहाँ पे पार्टनरशिप जमाते हुए दोनों वरिष्ठ बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पर दो विकेट गिर गया था तब से यहाँ पे एक छोटी सी साझेदारी जरूर बना है और ये साझेदारी आखिरकार एक ऐसा मौका आएगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट करेगा आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए तो यहाँ पे रन रेट भी बढ़ता हुआ 10 से ऊपर चला हमारे स्कोर एनालिस्ट स्टैटिस्टिशियन यहाँ पे बैठे हुए हैं कंप्यूटर से तेज चलता है इनका हाथ ठाकुर जी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे माइनस बता रहे हैं 10 से ऊपर का रन रेट धीरे धीरे यहाँ पे रन रेट का बढ़ोतरी दिख रही है जब ये दो बल्लेबाज ठहर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी बढ़िया भरोसेमंद दो बल्लेबाज और इनको आगे ले जाना पड़ेगा 63 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर ठाकुर दादा क्या कहना चाहेंगे हेलो हेलो जी हाँ बता दूं समय इसको बता दूं सभी दर्शकों को फिर से 63 रन 6 ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर
तीन विकेट का नुकसान हुआ है। विशाल का हिट खाकर बल्लेबाज कर रहे हैं। दो विकेट का पतन हुआ है, दो विकेट का पतन हुआ है काफी चार रन। इस फिलहाल के लिए तत्वों के साथ गेंदबाजों को वापसी करनी होगी इस मैच में। अगर पता है कि ओलगा टा दला हो इस जोड़ी को तोड़ना होगा। माइक साउंड नहीं दबा समय ओम चिल्लो बोलो बटर ओम ओम इसमें ओम बॉक्सिंग फ्रेंड की पार्टनरशिप हो चुकी है। बोलर सुंदर गेंद थी एक रूप में सुंदर शॉट कवर की तरफ गया। यह शॉट तेज गति के साथ खिलाड़ी दौड़ रहे कि लोग रोक नहीं पाए थे। पहले दिन पर जाकर चार रन के साथ इनको बढ़ता हुआ स्कोर 67 तेजी के साथ दो बॉल का इशारा हो चुका है और फ्री हिट भी मिलता हुआ, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ और 68 रन स्कोर बोर्ड पर काफी तेज गति के साथ दोनों बल्लेबाज ओवर विशाल की जोड़ी। गेंदबाज चीनू एक नई जवाबदारी के साथ आए हुए हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। सुनबेड़ा के जो कप्तान है उनको बड़ी जवाबदारी दी है इस क्वार्टर फाइनल मैच में किसी भी तरह इस ब्रेक थ्रो को लाना होगा। 36 रन की पैटर्न सीट के साथ खेलते हुए दोनों बल्लेबाज ओवर विशाल की जोड़ी। गेंद काफी सुंदर गेंद थी, हल्की सी मूव हो गई और एम्पायर का इशारा आ चुका है व्हाइट इस एक व्हाइट के साथ इनका फिर से बढ़ता है इसको बता दूं 69 रन फ्री हिट जारी है। बल्लेबाज देखते हैं इस प्लेट का कितना फैन उठा पाते हैं। इस मैच का पूरा आपको देखा एक एक ओवर प्रकाश पात्र जी और मैं पूरा विवरण आपको देंगे। सिनापा लेन से बहुत सुंदर गेंद, बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं। एक रन लिया, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद काफी तेज गति के साथ बल्ले पर आई, हल्का सा मूव किया ऑन साइड में खेला गया शॉट। 70 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। क्रीज पर मौजूद विशाल बलांगीर के विशाल बैट्समैन चीनू काफी बढ़िया गेंद इस समय किसी एक बड़ा रन आउट का मौका हो सकता था और वो चूक गए हैं। बल्लेबाज काफी आगे चले गए थे, कोई मौका नहीं था दौड़ कर उन्हें स्टंप पे जाकर थ्रो करना था, हड़बड़ा गए और एक रन आउट मिस हो गया। ओम उनको बार बार समझाते हुए किसी का खतरा आपको इधर मोड़ लेना नहीं है। प्ले का फायदा नहीं उठा पाए विशाल। से खेलना चाहते थे चूंकि बार बार चूक रहे हैं बल्लेबाज, जानते हैं अपने विकेट की भूमिका और उनके बीच कुछ बातचीत होते हुए बना हुआ स्कोर में दर्शकों को बता दूं 70 रन। धीरे धीरे स्कोर जो एवरेज है 6-7-8-10 के एवरेज प्रति ओवर ले जाते हुए दोनों बल्लेबाज। खेला है लेकिन खिलाड़ी मौजूद हल्की सी मिसफील हुई है। देखते हैं दूसरे रन लेने से मना किया साथी खिलाड़ी ओम ने, केवल एक ही रन लिया। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 71 लॉस ऑफ 2 विकेट्स 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एक बड़ी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच इस समय चलता हुआ इस बड़े मैच में। इसे भी उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई है गेंद। एक रन इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। प्रकाश भाई इसको बताएंगे कितने बोले 72 रन इस ओवर की आखिरी गेंद। एक जोरदार अपील
दोनों एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। प्रकाश भाई सीधे जुड़ते हैं प्रकाश भाई से। इस अपील में देखिए दादा आत्मविश्वास ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे अपील को तो भली भांति दोनों एम्पायर ही उनके ऊपर ही डिपेंड है, भली भांति उनको पता था। और आखिरकार ये सातवां ओवर की परिसमाप्ति होगी एक डॉट बॉल के साथ, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। धीरे धीरे जो एक दयनीय परिस्थिति से गुजर रहा था पावर प्ले के परिसमाप्ति पर, सिर्फ स्कोर 31 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर, एक विकेट नहीं गिरा है, तीन ओवर हो गया है। तीन ओवर में बेहतरीन तरीके से 40 रन बटोरे हैं, ये खासियत है ये दोनों बल्लेबाजों का। और 10.28 का यहाँ पे चलता हुआ आरपीओ, और इसी प्रकार यदि बल्लेबाजी करते रहेंगे तो अनुमानित स्कोर 162 तक जाएगा। और आशा करते हैं कि और आतिशबाजी हो, और बल्लेबाजी लाइन में भी काफी धाकड़ बल्लेबाजों का सुरमार है, तो इससे पता लगा सकते हैं कि बलांगीर टीम बहुत ही एक बढ़िया काम कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। बलांगीर की ओर से फिलहाल गेंदबाजी में फिर से शायद टुकू कंटिन्यू करेंगे। और वाइड लंगन चक्र में खिलाड़ी भागते हुए लंगन से जब तक उठाए हेड रन लेने का मौका था, और हेड रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 73 पर जा पहुंचा। बीच का जो ओवर रहता है ठाकुर जी, बीच में इसी प्रकार का स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, पांच लगातार गेंद पर पांच सिंगल और आखिर की गेंद पर चौका या छक्का हो जाता है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा ओवर कहा जाता है। ये होता है परसेंटेज क्रिकेट, और दिखाई वो यहाँ पर दिख रहा है। इसी देखिए गेंद को जोरदार कड़ी प्रहार मारने की कोशिश, और यहाँ पर मिस फील्डिंग हुआ था पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा, और गेंद चली गई चार रनों में। चौके के साथ 77 पर पहुंचा, जहां पर आपको एक बात बता दूं, शार्किल खत्म होने तक आरपीओ था सिर्फ 8 का, अभी देखिए 10 से ऊपर का रन रेट। यहां बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज रन गति को बढ़ाते हुए भागकर खेला है, कोई मौका नहीं दम वाला था छक्का प्रकट भाई, बहुत ही शानदार था। इस बल्लेबाज को रोकना काफी मुश्किल लग रहा है प्रकाश भाई, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वाकई लाजवाब। सुनाबेड़ा के कप्तान को कोई रणनीति अपनानी होगी, अन्यथा ये तो स्कोर को 200 प्लस कर देगा। जी हाँ जरूर, देखिए तीसरे विकेट के लिए 50 का साझेदारी भी हो चुका है, 52 रन का साझेदारी, बहुत ही जबरदस्त साझेदारी, और इन दोनों को रोकने के लिए कुछ तो रणनीति बनाना पड़ेगा, देखा जाए दिलचस्प रहेगा। और फिर भी यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ पे अजीब और गरीब नजर आ रहा, गेंद सीधा जाएगा और 4 रन का यहाँ पर 2 रन जी हाँ भाई के रूप में 4 ओवर के रन और 2 जो दोनों बल्लेबाजों ने कंप्लीट किए थे, कुल मिलाकर 6 रन पिछले गेंद पर। यही होता है जब आपका बॉडी लैंग्वेज में ढीलापन आता है, तो देखिए गेंद को ओवर थ्रो किए और गेंद सीधा हमारे दूर वाले साइड स्क्रीन पर। जी हाँ बिल्कुल बड़ा गेंदबाज विकेट लेने की चाहती है उनकी गेंद पर, अंतिम गेंद बाकी है जिसकी हम बात कर रहे थे प्रकाश भाई, गेंदबाज हड़बड़ा से गए हैं, किसी भी तरह से ब्रेक थ्रू इनको मिलना ही चाहिए।
जैसे ही धीरे धीरे रन रेट की बढ़ोतरी देखने को मिला है, निश्चित रूप से क्षेत्र रक्षक के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर यहाँ पे साफ झलकता हुआ जबरदस्त है। ये ओवर में 17 रन हो चुका है और यहाँ पे गेंदबाज को कुछ सोचना पड़ेगा, आखिरी गेंद बाकी है। अंतिम गेंद से देखते हैं 17 रन आ चुके हैं बल्लेबाज इस समय विशाल काफी खतरनाक मूड में जाकर खेला है। आज का जो सनलाइट है प्रकाश भाई निश्चित तौर पे कमेंटेटर्स को और स्कोरर को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। गेंद हमें सही तरीके से नहीं खेली है, एक रन दौड़ कर पूरा किया, स्कोर बताएंगे आप 90 इसके साथ 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 और ये 8वां ओवर की परिसमाप्ति घटी। कड़ी धूप का जो बात कर रहे थे उससे भी देखिए दर्शकों का किस प्रकार क्रिकेट का प्रेम है, कड़ी धूप का भी कोई प्रभाव नहीं।